नमस्कार दोस्तों, हाय एवरीवन। एंड आज का वीडियो है ऑन सीआरपीसी, दैट इज चैप्टर 5, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो यहाँ पे अभी हम सिंपल प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट के बारे में बात करेंगे और अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या क्या हैं। तो इसके लिए वी हैव चैप्टर 5 सेक्शन 46 से लेके 60A तक, बट इसको हम अपने कन्वीनियंस के लिए तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज प्री अरेस्ट प्रोसीजर, प्री अरेस्ट अरेस्ट एंड लास्ट में राइट ऑफ राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अच्छा, अब जहां प्री अरेस्ट की बात आती है तो हम इसमें, क्योंकि आप देखो 46 से लेके 60A तक के बीच ये काफी एग्जॉस्टिव चैप्टर है। अब हम जब राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन डिस्कस करेंगे तो आप इसको पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर भी कह सकते हो, ऑल्सो पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर। तो इन तीनों में डिवीजन करके हम सेक्शंस 46 से 60A तक पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम प्री अरेस्ट के प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, दैट इज सेक्शन 46, 47, 48, 49, 55, 60 और इसके साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आईपीसी के भी प्रोविजन, जैसे 224 हो गया, आईपीसी 225, 225B, इनके भी यूजेज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। फर्स्ट लेट अस हैव एन ओवरव्यू, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे सेक्शन 46 से लेके 60A के बीच। तो पहला, हाउ द अरेस्ट इज मेड, प्रोसीजर क्या होता है अरेस्ट का, पुलिस ऑफिसर को किस तरीके से अरेस्ट करना है, हैंडकफिंग कर सकते हैं कि नहीं, क्या किसी के बॉडी को टच करके अरेस्ट करना है या दूर से कहकर अरेस्ट करना है दैट यू आर बीइंग अरेस्टेड। तो ये सारी कई चीजें, फॉर्मेलिटीज ऑफ प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट हम डिस्कस करेंगे इस हेड के अंदर। देन क्या पावर्स दी गई हैं पुलिस ऑफिसर्स को ताकि वो अरेस्ट को इफेक्टिवली अरेस्ट कर सके, दैट इज पावर्स विच हैव बीन गिवन टू पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू फैसिलिटेट देयर वर्क। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं पुलिस ऑफिसर्स के, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं 23 के अंदर, 22 के अंदर, 20 क्लॉज 3 के अंदर, 22 के अंदर, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। That is, और क्या राइट्स है टू अरेस्टेड पर्सन, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, और ऑल्सो यू कैन कॉल पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर। मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, द अरेस्टेड पर्सन हैज राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, ये सारी चीजें हैं। अब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है नॉन कंप्लायंस ऑफ दीज रूल्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले अपने पहले हेड को डिस्कस करते हैं, दैट इज प्री अरेस्ट प्रोसीजर। उसके पहले मीनिंग ऑफ अरेस्ट क्या है, अरेस्ट है जब आप किसी भी, जनरल मीनिंग है अगर आप देखो, आप किसी को भी उसके लिबर्टी से डिप्राइव करते हो तो दिस इज कॉल्ड अरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉकेट मार, एक पिक पॉकेट है, वो पॉकेट किसी का मारकर भाग रहा है, तो क्या पुलिस ऑफिसर की अथॉरिटी है कि उसको, उसकी लिबर्टी को कन्फाइन कर सके, डिप्राइव करे, राइट? तो चैप्टर 5 में ऑफ सीआरपीसी ये डील करता है कि पावर्स ऑफ अरेस्ट ऑफ पर्सन क्या है एंड उनके सेफ गार्ड क्या है रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय द पुलिस। कि आप जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसकी प्रोसीजर क्या है और साथ ही साथ क्या क्या सेफगार्ड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 22। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो से, दैट इज सेक्शन 46, हाउ अरेस्ट इज टू बी मेड। तो ये सेक्शन 46 डिस्कस करता है हाउ अरेस्ट इज टू बी मेड, प्रोसीजरल इंट्रिकेसीज ऑफ अरेस्ट, जिसको आप कह सकते हो प्रोसीजरल इंट्रिकेसी ऑफ अरेस्ट। तो अब ये कहता है कि अरेस्ट करने के टाइम पुलिस ऑफिसर जो पर्सन अरेस्ट हो रहे हैं उनकी बॉडी को टच करेंगे या कन्फाइन करेंगे,
दैट इज आप समझो लेट अस से दिस इज अ पर्सन इनको अरेस्ट करना है, वी हैव अ पुलिस ऑफिसर हियर, पुलिस ऑफिसर है, कई पुलिस ऑफिसर हैं, तो ये एक्चुअली जाके इसके बॉडी को टच करके कन्फाइन करेंगे. बट अगर ये जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है ये सबमिट कर देता है, सबमिशन इन द सेंस जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा हाथ खड़ा करके, हाथों को खड़े करके कहते हैं यस वी आर सबमिटिंग, तो वो एक जेस्चर है सबमिशन का. तो उस सिचुएशन में टच और कन्फाइन करना नेसेसरी नहीं है. दैट इज हाउएवर इफ देयर इज अ सबमिशन टू द कस्टडी, एंड सबमिशन कैसे हो सकता है, वर्ड और एक्शन दोनों से. लेट अस से जो बंदा अरेस्ट हो रहा था ये जमीन पे लेट जाता है, तो एक तरीके से सबमिशन है. बट आपको मैं अगर प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊं ऑफ व्हाट आई, आप किसी भी लॉयर से पूछो तो ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं होती है. आप किन्हीं को भी देख लो, पुलिस, बिकॉज वी ऑल नो व्हाट इंडियन पुलिस इज केपेबल ऑफ, एवरीवन नोज दिस. और ये जो छोटी छोटी चीजें, इवन फॉर द मैटर हैंड कफिंग, ये हम आप टेयर वन सिटीज में मेट्रोज में रहकर आप सुनते हो या बातें करते हो कि अरेस्ट नहीं होना चाहिए, हैंड कफ नहीं होना चाहिए. बट आप अंदर विलेज के किसी एरिया में चले जाओ, गांव में चले जाओ, आप देखोगे हैंड कफिंग इज नॉर्मल वहां पे. दे डू नॉट केयर अबाउट राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन ज्यादा इन डिटेल में. हाँ, कुछ कुछ चीजें जैसे मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है वो भी स्ट्रिक्टली फॉलो होता है. बट आप देखो जो ये बुनियादी छोटी छोटी थ्योरेटिकल चीजें हैं जो सीआरपीसी में लिखी हुई है, जैसे सबमिशन टू द कस्टडी, ये टच और कन्फाइन इस केस में नहीं करेंगे, नहीं होता है ये फॉलो. तो ये प्रैक्टिकल बेंट है, रियलिटी है. Although let us hope so कि जल्दी एक ऐसा पोजीशन आए जहां पे सीआरपीसी की सारी बातें जो मैंडेट है वो फॉलो हो. अगेन इसके कई सारे रीजंस भी हैं. आप देखो पॉपुलेशन इशू है, एनफोर्समेंट एजेंसीज की कमी है, उनकी ट्रेनिंग की कमी है. तो अकेडमिकली देर आर लॉट ऑफ सॉल्यूशंस, बट प्रैक्टिकली देर आर वेरी फ्यू रियलिस्टिक सॉल्यूशंस. तो इन सब चीजों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ हम क्रिटिसाइज करते रहे एनफोर्समेंट एजेंसीज को. तो ओके, हैविंग सेड दैट, अपने प्रोविजन में आते हैं, बैक टू सेक्शन 46. That is arrest कैसे made होगा, how it is to be made, touch or confine इसकी exception है कि body को touch या confine नहीं करेंगे जब submission होती है. अच्छा, अब police officer जब arrest करती हैं तो उनके पास right होता है कि वो सारे means necessary जो उनके पास हैं, सारे possible means को try करके वो arrest करें. Right? In situation let us say जो बंदा अरेस्ट हो रहा है, द पर्सन हु इज बीइंग अरेस्टेड, वो हाथ छुड़ा के या कहीं भाग रहे हैं, तो पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो उसको, उस बंदे को फोर्सिबली रेजिस्ट करें. दैट इज दौड़ कर मार कर गिरा दें, इवन फॉर दैट मैटर मार कर इन द सेंस बॉडीली हार्म करके. राइट, सो पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहे हैं उनके पास सारा राइट है टू यूज ऑल मीन्स नेसेसरी to affect the arrest. अब अगेन एक बात आती है जब हम यहाँ कहते हैं टू यूज ऑल मीन नेसेसरी, इसका मतलब क्या है, कोई लिमिटेशन है कि नहीं, कि आप जो मर्जी इस, अगर मैं इसको हिंदी में अच्छे से ट्रांसलेट करके कहूँ तो पुलिस ऑफिसर सारे तरीके अपना सकते हैं ताकि वो अरेस्ट को अफेक्ट कर सकें उन सिचुएशन में जहां पे जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है वो फोर्सिबली खुद को छुड़ाकर भाग रहा हूं. ऐसे सिचुएशन में पुलिस जो मर्जी चाहे कोई भी तरीका अपना सकती है. तो इधर इट बी बॉडीली हार्म करना, फोर्स यूज करना, सारी चीजें एप्लीकेबल है. पर इसका मतलब नहीं कि वो डेथ कॉज कर देंगे जो पर्सन इवेड करके भाग रहा है. राइट, कि नो पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट हैज द राइट टू कॉज डेथ. पर इसकी भी डेथ कॉज करने की भी एक्सेप्शन है, जहां पे जो अक्यूज है जिसकी अरेस्ट हो रही है वो ऐसे ऑफेंस पे अक्यूज है जो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है.
लेट अस से मर्डर का एक अक्यूज्ड है, उसको पुलिस अरेस्ट करने आई है, वो पुलिस से हाथ छुड़ाकर भाग रहा है और भागते भागते रास्ते में वो किसी अपने दोस्तों के कार में बैठ के फिर भागने लगा, तो पुलिस क्या करती है, दूर से गोली चलाती है। गोली चलाना था कार पर, राइट, ताकि टायर पंचर होकर रुक जाए, बट इंस्टेड ऑफ दैट वो गोली गलती से कांच के अंदर जाकर उस अक्यूज्ड को लग जाती है जो इवेड करके भाग रहा था। तो इस सिचुएशन में क्या, द पर्सन हु वाज अबाउट टू बी अरेस्टेड और हु वाज बीइंग अरेस्टेड, वो अक्यूज था ऑफ एन ऑफेंस विच वाज पनिशेबल विद डेथ, दैट इज मर्डर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल ही थ्योरेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस के पास सारी राइट है कि वो डेथ कॉज कर सके, ठीक है। अब सेक्शन 46 में आते हैं, स्पेशल प्रोविजन फॉर अरेस्ट ऑफ वुमेन। अब जहां एक महिला को अरेस्ट करना है, दैट इज जहां पे अरेस्ट होने वाली पर्सन फीमेल है, वुमेन है, उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर है। सबसे पहला कि आपको उस महिला की बॉडी को आप नहीं टच करोगे, दैट इज व्हेन अ वुमेन इज टू बी अरेस्टेड, पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच द वुमेन फॉर मेकिंग हर अरेस्ट। एंड ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है ये प्रोविजन, आप चाहे जहां चले जाओ कभी भी आप देखोगे किसी भी महिला की अरेस्ट हो रही है साथ में वुमेन आपको वो आती ही आती है, वुमेन कॉन्स्टेबल साथ में, उसके बिना अरेस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। एंड स्पेशल ऑर्डर्स मिलते हैं कोर्ट मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट्स को कि आप इन प्रोविजंस का खास ध्यान रखें विथ रेस्पेक्ट टू वुमेन। हमने बात करी थी पिछले स्लाइड में, दैट इज सबमिशन टू कस्टडी, कि जहां पे कोई भी बंदा जो अरेस्ट हो रहा है अगर वो बाय वर्ड और बाय एक्शन ऐसा इंटीमेट करता है पुलिस ऑफिसर को कि वो सबमिट कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर उसकी बॉडी को टच नहीं करेंगे। वुमेन के केस में उनकी सबमिशन प्रिज्यूम्ड होती है, दैट इज ऑलरेडी ये माना जाता है कि वो सबमिट कर चुकी है। So let us say we have a police officer here, और वो जाके एक ये फीमेल पुलिस ऑफिसर है उनको अरेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या अज्यूम होगा कि दिस वुमेन हु इज टू बी अरेस्टेड हैज ऑलरेडी सबमिटेड, वो सबमिट कर चुकी है, प्रिज्यूम्ड है ये आप देखो। ओके, अगर मान लो फिर भी ऐसे सिचुएशन आ रही है जहां पे जिस महिला को अरेस्ट करना है वो उनको सर्च भी करना है, लेट अस से, या फिर उनको अरेस्ट करना है वो भाग रही हैं, इवेड करके जा रही हैं, ऐसे में एक पुलिस ऑफिसर जो फीमेल है वही उनके बॉडी को टच करेंगे। 46(4) है, ये एक स्पेशल प्रोविजन बनाता है कि जहां भी किसी वुमेन को अरेस्ट करना है तो वो आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं की जाएगी वो महिला, दैट इज सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले, शाम से अर्ली मॉर्निंग के समय तक। इट इज एक सपोज मैं आपको एक स्ट्रिक्टली अगर क्लॉक 24 आवर्स क्लॉक के लिए आप लोग, तो मैं कहूँ लेट अस सपोज 6:30 बजे शाम हो जाता है 6:30 PM और सुबह 5:30 पे सनराइज हो जाता है AM, तो 6:30 PM से 6:30 AM के ड्यूरेशन तक कोई भी वुमेन अरेस्ट नहीं होगी अंडर 46(4). ये जनरल रूल है, पर इसकी भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि अगर मान लो किसी भी सिचुएशन में अरेस्ट करना बहुत एसेंशियल है, सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि अरेस्ट करना ही पड़ेगा, उसके लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर ही अरेस्ट होगा। ये बहुत स्ट्रिक्टली ये सारे प्रोविजंस फॉलो होते हैं। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल अरेस्ट। अगर मान लो कोई भी बंदा है, द पर्सन हु इज बीइंग अरेस्टेड, कोई भी अक्यूज्ड है वो अरेस्ट हो रहा है और वो रेजिस्ट करता है अरेस्ट से या ऑब्स्ट्रक्ट करता है,
सीआरपीसी में तो प्रोविजन है ही, बट उसके साथ आईपीसी में भी सेक्शन 224, 225 एंड 225 भी ये फंक्शन करेंगे। अब ये है क्या, ये तीनों सेक्शन के वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं अपने आईपीसी के प्लेलिस्ट में, तो यू कैन गो टू लॉसिकोस पेज, लॉसिको की हमारी पेज है यूट्यूब पेज, आप उसमें जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिलेगा लर्निंग द इंटायर आईपीसी। इसमें हिंदी में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है पूरे आईपीसी के सारे प्रोविजंस को, आप इसको खोलना इस वाले प्लेलिस्ट को और आपको इसमें 224, 225 एंड 225 बी मिल जाएंगे, आप इसके वीडियो चेक करके देख सकते हो और कोरिलेट कर सकते हो। सिमिलरली और भी सारे वीडियोस हैं आईपीसी के, तो सारे वीडियोस हैं, सीआरपीसी के भी वीडियोस हैं, बाकी सीपीसी के वीडियोस हैं, सारे मोस्टली जितने मेजर लॉ सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस अवेलेबल है हमारे लॉसिको के प्लेलिस्ट में फॉर फ्री, और इसी तरीके से अच्छे से स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंटेड है, नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, हैविंग प्रिज्यूम्ड कि आप जाकर इसको चेक करके पढ़ लोगे, तो लेट अस मूव डाउन टू सेक्शन 47। अच्छा अभी क्या होता है कि आप समझो, लेट अस से अ पर्सन, ये है, दिस पर्सन इज टू बी अरेस्टेड, पुलिस ऑफिसर आते हैं इनको अरेस्ट करने के लिए और ये पुलिस ऑफिसर को देख के भाग जाता है, पर ये भाग के किसी के घर के अंदर छुप जाता है, अब ऐसे में पुलिस ऑफिसर के पास क्या राइट्स हैं, क्या वो इस घर के अंदर जाकर घुसकर इस बंदे को पकड़ सकते हैं पुलिस ऑफिसर, ये सिचुएशन सेक्शन 47 के अंदर लेट डाउन है, दैट इज वी हैव सेक्शन 47 सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन हु इज टू बी अरेस्टेड। जैसे मैंने बताया कई बार ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे पर्सन जिसको अरेस्ट करना है वो किसी प्लेस में एंटर कर चुका है, फॉर एग्जांपल इनसाइड अ बिल्डिंग, लेट अस सपोज इनसाइड दिस हाउस, इस बंदे को अरेस्ट होना था और इसके अंदर जाकर छुप चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में जो बंदा इस घर के अंदर रह रहा है, इसके जो इंचार्ज है या ओनर है, ये इसकी लीगल ड्यूटी है कि वो इस पुलिस ऑफिसर को फ्री इंग्रेस प्रोवाइड करे, दैट इज एंट्रेंस प्रोवाइड करे, ताकि वो जाकर इस बंदे को पकड़ सके, और इसके साथ ये भी लीगल ड्यूटी है इंचार्ज ऑफ दिस हाउस या इंचार्ज ऑफ दिस प्लेस के कि वो उसको सारे रीजनेबल फैसिलिटीज अफोर्ड कराएं ताकि पुलिस ऑफिसर सर्च कंडक्ट कर सके। अब आप देखो कि जिस सिचुएशन में, मान लो ये इसका, ये जो घर है ये इसके दोस्त का घर है, राइट, और इसका दोस्त दिस पर्सन हु इज टू बी अरेस्टेड उसका फ्रेंड है, और ये पुलिस ऑफिसर को अंदर ही नहीं आने दे रहे है, तो ऐसे में जिस सिचुएशन में फ्री इंग्रेस प्रोवाइड नहीं की जा सक रही है, पुलिस ऑफिसर नहीं अंदर आ पा रहे हैं, वैसे में उनके पास लीगल राइट है अंडर सेक्शन 47 इंट्रेंस लेने के लिए कोई भी दरवाजा या विंडो तोड़ दे वो, और वैसे प्लेस या हाउस के अंदर एंट्री ले ताकि सर्च करके इसको अरेस्ट कर सके। अच्छा, ये सर्च और फ्री इंग्रेस वाली जितनी भी प्रोविजन है ये तभी होगी, पहले आपको उस प्लेस के इंचार्ज को या ओनर को एक नोटिस देना पड़ेगा, नोटिफिकेशन इन द सेंस, ये नहीं कि रिटन, लेट अस सपोज अगेन कम बैक टू आवर प्रीवियस स्लाइड, और से ये घर है, घर के बाहर अगर कई सारे पुलिस ऑफिसर हैं मिलकर जमा करके, सारे पुलिस ऑफिसर्स के पास उनकी एक पीसीआर में चोंगा होता है जिसको कहते हैं लाउड स्पीकर, वो उससे अनाउंस कर सकते हैं कि आपके घर में ये छुपा है हमें अंदर आने दें, और ये होता है, ऐसे में क्या एक नोटिफिकेशन दे रहे हैं वो पुलिस ऑफिसर, तो सबसे पहले एक नोटिफिकेशन देना है कि आप हमें अंदर आने दो, इस नोटिफिकेशन के बिना वो
परमिशन नहीं है उनको एडमिशन के लिए। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सेक्शन 47 अभी तक हमने पढ़ा है, ये ओनली एप्लीकेबल है इन केसेस वेयर अ वारंट हैज बीन इशूड, दैट इज अरेस्ट वारंट इशू हो गई है, और वेयर अ वारंट मे बी इशूड बट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट डिले, दैट इज सेक्शन 47 तभी एप्लीकेबल है जहां वारंट ऑफ अरेस्ट ऑलरेडी इशू हो चुकी है, या केस ऐसा है, लेट अस सपोज वारंट केस है, जिसमें वारंट इशू हो जाएगी, पुलिस को अपने जनरल डे टू डे फंक्शनिंग से ये पूरा अंदाजा है कि वारंट इशू हो जाएगी, एंड साथ में इसके साथ प्लस ये भी एक बात है कि जिस बंदे को अरेस्ट करना है प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि वो एस्केप कर जाए, भाग जाए। जब ये सिचुएशंस मीट होंगी तभी आप किसी प्लेस के अंदर घुस के सर्च करके उसको अरेस्ट करोगे, एल्स इट इज नॉट अलाउड। तो क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, प्री रिक्विजिट्स फॉर सेक्शन 47? सबसे पहला है कि आपको वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो चुकी हो या फिर इशू होने वाली हो, प्लस सिचुएशन ऐसी हो कि जिस बंदे को अरेस्ट करना है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्केपिंग बहुत हाई है। सेकेंड, नोटिफिकेशन की प्री रिक्विजिट की नोटिफिकेशन देना है। अच्छा, अब लेट अस सपोज अनदर सिचुएशन, लेट अस कम बैक टू आवर प्रीवियस स्लाइड। मान लो पुलिस ऑफिसर ने इस घर के अंदर एंट्री ले ली अरेस्ट करने के लिए, और अंदर घुसकर क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है और घर के सारे एंट्रेंस को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तो इससे क्या पुलिस ऑफिसर अंदर फंस गए। ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर के पास सारी राइट्स हैं कि वो रीजनेबल मीन्स यूज करके खिड़की दरवाजों को तोड़कर बाहर आ जाए। कि जहां पे पुलिस ऑफिसर जो एंटर हुए ऐसे प्लेस में फॉर लुकिंग फॉर द पर्सन हु इज टू बी अरेस्टेड, और उसको अरेस्ट करने के दौरान खुद अंदर डिटेन हो गए वाइल सर्चिंग, उसके पास सारी लॉफुल अथॉरिटी है कि वो किसी भी विंडो या डोर को तोड़कर उस प्लेस से बाहर आ सके ताकि वो खुद को लिबरेट फ्री कर सके। तो ये था सेक्शन 47 ऑन सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय और आर टू बी अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर। अच्छा, सेक्शन 48 की बात करते हैं। सेक्शन 48 कहता है जहां अरेस्ट विदाउट वारंट है, इन केसेस ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट जो पुलिस ऑफिसर हैं जो अरेस्ट कर रहे हैं उनके पास अथॉरिटी है कि वो इंडिया के किसी भी प्लेस में जाके अरेस्ट कर सके। सेक्शन 48 को क्या कहते हैं, टू परसू सच पर्सन इन टू एनी प्लेस इन इंडिया। सिमिलरली ये तो अरेस्ट विदाउट वारंट था, जहां पे अरेस्ट विथ वारंट है, दैट इज इन केसेस ऑफ अरेस्ट विथ वारंट। अरेस्ट विथ वारंट के केस में सेक्शन 77 एप्लीकेबल होता है, जो कि कहता है कि अ वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। सेम, एक वारंट ऑफ अरेस्ट है वो इंडिया के किसी भी प्लेस में एग्जीक्यूट हो सकता है, पर जब वारंट ऑफ अरेस्ट आउटसाइड द लोकल ज्यूरिसडिक्शन, आउटसाइड द लोकल ज्यूरिसडिक्शन एग्जीक्यूट करना है उसके अलग प्रोविजंस हैं, इसके प्रोविजंस हमने डिस्कस किए हैं वहां सीआरपीसी के अपने वीडियो में ऑन वारंट ऑफ अरेस्ट, आप जाकर चेक कर सकते हो सेक्शन 70 से लेके 81 के बीच। तो हैविंग सेड दैट, हम अपने अगले स्लाइड पे आते हैं, दैट इज डिप्यूटिंग सबॉर्डिनेट टू अरेस्ट, सेक्शन 55। अच्छा, अब फिर क्या होता है, लेट अस से पुलिस ऑफिसर्स की भी रैंक होती है, जैसे आप घुसोगे कांस्टेबल होता है, फिर कांस्टेबल से प्रमोशन होता है, फिर आपको एसएचओ बनते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं, फिर उसके भी सुपीरियर होते हैं, तो ऐसे कई पोस्ट होती है, हायरार्की होती है। तो लेट अस सपोज ये हायरार्की का ग्राफ है, राइट, और एक पुलिस ऑफिसर इस पोजीशन पे है और ये उसके सबॉर्डिनेट यहाँ पर है। तो ये सबॉर्डिनेट चाहेंगे, सॉरी, ये
पुलिस ऑफिसर हैं जो कि सीनियर हैं इस पोजीशन पे, वो चाहेंगे तो अपने सबॉर्डिनेट को भेज कर अरेस्ट जो हमने अभी तक पढ़ा 46 के अंदर 47, 48 इसके प्रोसीजर को पूरा करा सकते हैं, दैट इज डिप्यूटिंग सबॉर्डिनेट टू अरेस्ट। यहाँ पे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने प्रेजेंस में चाहते हैं कि एक सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जाके अरेस्ट करे, तो ऐसे सिचुएशन में ये लॉफुल होगा उस सबॉर्डिनेट के लिए कि वो अरेस्ट करे इन केसेस ऑफ विदाउट अ वारंट। अब देखो विदाउट वारंट में क्या, इन प्रेजेंस ऑफ सबॉर्डिनेट अरेस्ट होना चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर टू की, जहां पे अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस नहीं करना है, दैट इज लेट अस ए सीनियर पुलिस ऑफिसर है, सीनियर है, इनके सामने इनके प्रेजेंस में अरेस्ट नहीं करना है, तब क्या होगा? इस सिचुएशन में एक रिटन ऑर्डर देना पड़ेगा इस सीनियर पुलिस ऑफिसर को, रिटन ऑर्डर। सेक्शन 55 रिक्वायर करता है कि जहां पे सीनियर पुलिस ऑफिसर वॉन्ट्स टू सेंड और डिप्यूट अ सबॉर्डिनेट फॉर अरेस्टिंग अ पर्सन विदाउट अ वारंट, और वो ऐसा अरेस्ट है जो उसके प्रेजेंस में नहीं हो रहा है सीनियर के, तो उस सिचुएशन में रिटन ऑर्डर चाहिए, दैट इज सीनियर को एक रिटन ऑर्डर देना पड़ेगा अपने सबॉर्डिनेट को। बट पहले सिचुएशन में जहां सीनियर ऑफिसर के प्रेजेंस में हो रहा है वहां पर आपको रिटन ऑर्डर की जरूरत नहीं है, और ये जो रिटन ऑर्डर होगा वो मेंशन करेगा हु इज टू बी अरेस्टेड, कहां पे अरेस्ट करना है, कॉज क्या है अरेस्ट का, ये सारी चीजें मेंशन होगी। अच्छा सेक्शन 49 कहता है कि नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन, दैट इज जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसको उसको ही शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेन देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप, मतलब उतने ही हद तक उसको आपको बांध के रखना है, लेट अस से फॉर सपोज वो अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि समझो आप ऐसा प्रोविजन है कि जहां तक नेसेसरी हो उतना ही आपको उसको सब्जेक्ट टू फोर्स या रेस्ट्रेंट रखना है जहां तक वो भाग ना सके। ऐसे में आप देखोगे किसी पुलिस ऑफिसर ने पैर बांध रखे हैं बेड़ियों से, वो अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर 3-4 पुलिस ऑफिसर रहे और हैंडकफ्ड है सो वो सफिशियंट है, राइट। तो अननेसेसरी आपको पुलिस के पास ये भी नहीं राइट है कि वो अननेसेसरी रिस्ट्रेन करें। अब हम आते हैं सेक्शन 60 पर, विच इज पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रिटेक, कि जहां पे एक पर्सन है इन लॉफुल कस्टडी एस्केप और इज रेस्क्यूड, सो द पर्सन फ्रॉम हूम कस्टडी ही एस्केप्ड और वाज रेस्क्यूड मे इमीडिएटली परस्यू एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया। That is, let us suppose this person is here, ये police officers के बगल में घेरा हुआ है, let us say 4 police officer हैं, पर फिर ये क्या करता है, ये court में इसकी पेशी होने वाली है, ये court जाता है, फिर तभी कुछ cars आती हैं और इसको उठा के ले जाती हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है, ये lawful custody में था और ये escape या rescue करा लिया गया let us say, तो ऐसे situation में ये police officer हैं, इनकी ये लीगल ड्यूटी है कि वो इमीडिएटली इसका पीछा करके इसको वापस से अरेस्ट करें फ्रॉम एनी प्लेस इन इंडिया। तो ये था सेक्शन 60। तो इस तरीके से हम पहला अपना सेगमेंट खत्म करते हैं, विच इज ऑन प्री अरेस्ट प्रोसीजर। सो होप अभी तक ये सारे प्रोसीजर्स क्लियर हो, अगले वीडियो में हम अरेस्ट के प्रोसीजर्स को करेंगे, दैट इज अरेस्ट सेक्शन 51, 52, 53, 53A, 58, 59 ये डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में ऑन अरेस्ट। तो ये चैप्टर 5 का पार्ट 1 है वीडियो का, होप आप पार्ट 2 भी आपको जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में मिल जाएगा, तो सी यू देयर।